बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैंने आज क्या बनाया है। ये मैंने चॉकलेट लावा कपकेक बनाया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है। ठीक है, ये देखिए मैं एक पीस खा के भी दिखा रही हूँ। जबरदस्त। जी देखिए मैंने इसमें क्या लिया है, ये मैंने इस तरह के ओरियो बिस्किट जो है ना, ये देखिए मैंने कम 6 पैकेट लिया है इसमें ओरियो बिस्किट। ने हाफ कप दूध लिया है, ठीक है। वेनिला एसेंस ये ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून में इसमें ये डालूंगी बेकिंग पाउडर, और ये डार्क चॉकलेट, दैट्स इट। मतलब मुझे लावा वो केक बनाना है ना, लावा कप केक बनाना है, तो इसके अंदर मेरे डार्क चॉकलेट डालनी है। ठीक है, फर्स्ट मैं इसको ग्राइंड करूंगी सारे कुकीज को। अगर फर्स्ट एक बार ड्राई मैंने ग्राइंड करना है इसको, फिर उसके बाद मैं ये लिक्विड ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। इसमें ओरियो बिस्किट और 1 कप दूध डाला मैंने, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने वेनिला एसेंस डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने, मेरे पास ये देखिए रेमेकिन है, ये मैंने इसमें ग्रीस लगा लिया था अच्छी तरह से। ये देखिए ग्रीस लगा के रेडी कर लिया, ग्रीस कर दिया ऑयल इसमें, बटर या ऑयल कोई सा भी आप इसमें ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो है ना इसका बटर, ये देखिए बस ये ऊपर से, ये जो मेरा चॉकलेट है, ये देखिए डार्क चॉकलेट मैंने यूज किया है, अंदर डाल के जरा से प्रेस करके थोड़ी सी ऊपर से और डालना है मुझे, ताकि ये कवर हो जाए। बस हो गया। इसी तरह मैं सारी रेमेकिन जो है मैं तैयार कर लूंगी। आप लोग के पास कोई सा भी इस तरह से कटोरी हो ना, वो भी यूज कर सकते, कोई सा भी स्मॉल बाउल, जैसे स्वीट सर्विंग बाउल होता है ना, इस तरह से ये भी यूज कर सकते। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब मैं सब मैं इसमें पोर करके फिर मैं ओवन में डालने जा रही हूँ। मेरी पतली वाली ओवन में मैं बनाऊंगी आज, देखे आप लोग देखिएगा। ये देखिए मैंने अपनी पतीली वाली ओवन गरम करने रख दिया था, ये प्री हीट कर लिया था मैंने 10 मिनट पहले, ठीक है। मैं देखती हूँ इसमें कितना जगह हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा इसमें। ये देखिए 3 आ गया, 4 आ जाएगा, ये देखिए बस हो गया। ये देखिए इसी तरह अब मुझे इसको 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसको, ठीक है। 20 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि मेरे चॉकलेट लावा कपकेक जो है वो कैसे बना है। ये देखिए मैंने एक रेमेकिन जो है वो बचा लिया था, टोटल 5 बनाया मैंने, एक बचा लिया था मैं आप लोग को दिखाने के लिए कि माइक्रोवेव में भी बहुत अच्छे से बन जाती है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि हमें, हमारे पास ओवन नहीं है। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में इसको डाला है, ये देखिए, ठीक है। और मैं इसमें 5 मिनट के लिए, सबकी अलग अलग होती है माइक्रोवेव की टेम्परेचर जो भी है, मैं पहले 3 मिनट डालूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं हुआ चेक करूंगी तो और 2 मिनट डालूंगी, बस। जी ये देखिए आई थिंक मेरा माइक्रोवेव वाले जो लावा केक है ना वो बनके तैयार हो गया। मैं चेक करती हूँ अभी, मैंने 5 मिनट, हाँ ये देखिए मैंने 5 मिनट कहा था बट मुझे टोटल सिर्फ 3 ही मिनट लगे हैं मेरे माइक्रोवेव में। हो सकते है और कम भी लगे, 2 मिनट भी लग सकते हैं, हो सकते है और ज्यादा भी लगे, ठीक है ना। ये मैं चेक करने वाली हूँ, ये देखिए बिल्कुल साफ निकल के आया मेरा स्टिक, इट मीन्स इट ये डन है, ठीक है। अब मैं इसको निकालूंगी, अभी बहुत गर्म है, निकाल के उसको ठंडा करूंगी। ये दोस्तों मेरे इस पतीली वाली ओवन में ना 25 मिनट
पूरे लग गए मुझे इसको, और 25 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल तैयार है मेरे चॉकलेट लावा के। अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी और ठंडा होने के बाद, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर होने के बाद मैं इसको सर्व करूंगी। ये देखिए मैंने काट लिया था इसको, ये देखिए किस तरह चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं क्लोज से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए जी, ये देखिए दिस इज द फाइनल लुक, कैसा लग रहा है? बहुत टेम्पटिंग है ना दोस्तों। ये देखिए बहुत ही मजे की और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है, बाद खास करके बच्चों को इतना पसंद आता है और बड़ों को तो खैर आता ही आता है। तो प्लीज आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे बना है। और मेरी चैनल की सारी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।